हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विमनिया पर आशा है उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे बिल्कुल मस्त होंगे और कल की और परसों की तैयारी जो है वो आपकी पूरी हो चुकी होगी है ना तो एक बार परख ली जाए आपकी तैयारी येस और नो वेलकम है नरेंद्र अजय लवकोश विशाल शिवानी वेलकम uh, है आप सभी का अगेन सरित वेरी गुड इवनिंग बच्चों एंड उससे भी पहले uh, आप सब को आप सबके ऊपर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं आप सबके ऊपर माँ सरस्वती जो है वो बिल्कुल उनका आशीर्वाद बना रहे बहुत अच्छे से आप एग्जाम देकर जाओ गुड uh, इवनिंग uh, कंचन वेरी गुड इवनिंग शिवानी आदित्य रश्मि वेरी 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 गुड इवनिंग रश्मि बिल्कुल जितने डेढ़ सौ क्वेश्चन है ना जितने करके आ जाओगे वो सेफ मार्क्स होंगे आप सबके है ना देखो अगर इसके बारे में सोचोगे ना बच्चा तो एक भी प्रश्न नहीं कर पाओगे ध्यान रखना ठीक है अब बिल्कुल कुछ कुछ भी मत सोचो अब ठीक है बहुत अच्छे से अगर तैयारी कर रखी है तो आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है और दुआ करेंगे भैया दुआओं में कहते हैं ना कि बहुत असर होता है एग्जाम इजी आए आपका मतलब मोडरेट आए ठीक है ये भी ना हो कि इजी आके कट ऑफ आपकी थोड़ी ज्यादा ही हाई चली जाए या हार्ड आके और नब्बे भी पार ना कर पाए है न तो आ, सभी को आर्यन आर्य पंडित वेलकम एस के गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग विकास तो चलिए शुरू की जाए एक बार अगेन फिर से आप सबको बच्चा बहुत बहुत बधाई है ना आ, अपने एडमिट कार्ड पे जो जो दिशा निर्देश आपके दिए हुए हैं वो अच्छे से फॉलो करना ठीक है एग्जाम सेंटर पे अपने पहले जाकर बैठ जाना आराम से एटलीस्ट आपका दो घंटे जब जा, पहले जा आप बैठ जाना ठीक है अगर आपके पास में ही है और आपको लगता है कि ट्रैफिक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है तो एटलीस्ट एक घंटा पहले ठीक है एंट्री से आप वहाँ चले जाना उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जैसे हमारी दूसरी क्लास भी होती है उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आ, बोल रहे थे कि मैम हमारे नाम में मिस्टेक आ गई है एडमिट कार्ड में ये सब कुछ तो आपके नाम में आ, या फिर उसके अलावा बच्चा आपके फ़ोटो में सिग्नेचर में आपकी वजह से या साइबर कैफे की वजह से कोई भी दिक्कत हुई है तो बिल्कुल नहीं घबराना आराम से जाना आपको वहां पर बिल्कुल एंट्री मिल जाएगी ठीक है चलो तो टेक केयर सभी को अब शुरू करते हैं थोड़ा सा रिवीजन आपका कि आपकी जो तैयारी है वो आपकी किस तरह की है ठीक है अच्छा मॉक टेस्ट आपने विमेनिया ऐप पर दिए हैं या नहीं सबसे पहला सवाल आप सबके लिए हाजिर है आ, सबसे पहला सवाल है एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का है ना हाँ, मैं तो एक घंटा पहले जाऊंगा ओके चलिए चलो पहला सवाल आप सबके सामने जो आपसे पूछा जा रहा है आपको बताना है कि आपका भक्ति इसको भुक्ति भी बोला जाता है बच्चा ठीक है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को इनमें से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से ठीक है 2022 से अर्जुन पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये किस खेल से संबंध रखती है बच्चा बैडमिंटन कुश्ती टेबल टेनिस और शतरंज पहला सवाल आप सबके लिए हाजिर है बताइए जल्दी से बताइए एंड एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाओ ताकि और बच्चों का रिवीजन भी आपका हो पाए मैम बैडमिंटन से है देखिए गलत बात हो गई बच्चा ये सतरंज से है ठीक है अच्छा मुझे बताइए सतरंज में एट्टी फोर्थ ठीक है चौरासी वी है ना और आपका तिरासी वे ग्रैंड मास्टर जो है वो आपके कौन बने हैं जल्दी से बताइए ग्रैंड मास्टर एंड भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर आपके कौन थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर आपके कौन थे जल्दी से बताइए आंसर सतरंज बिल्कुल हो जाएगा है ना चलो फटाफट से आंसर दो चौरासीवे आपके सतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और तिरासीवे कौन थे आदित्य महाराष्ट्र से ठीक है तिरासीवे आपके आदित्य चौरासीवी आर वैशाली ठीक है कौन है बच्चा आर वैशाली और पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ठीक है विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख आपका कौन होता है आपके सामने दूसरा सवाल हाजिर है ठीक है सवाल क्या है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक अधिकारी जो होता है प्रमुख जो होता है वो आपका कौन होता है आपके सामने अगला सवाल हाजिर है ठीक है ओके जल्दी से आंसर करिए मैम अकाउंटेंट जनरल ओके संध्या का आंसर आया है देखो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम आपके ऑप्शन नंबर बी नियंत्रित एवं नियंत्रक एवं महालेखा जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में बचा कैग बोलते हो सी ए जी जिनकी जो नियुक्ति होती है वो आपकी किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इनके पद का प्रावधान अंडर आर्टिकल 148 में है ठीक है और इसमें बच्चा आज के टाइम पर जो हमारे सी ए जी है वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू ठीक है किरीश चंद्र मुर्मू तो सी ए जी इज द राइट आंसर अगला सवाल आपके सामने है इनमें से कौन सा देश ए एफ सी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था इनमें से कौन सा देश आपका ए एफ सी एशिया फुटबॉल कप 2022 का चैंपियन था जो बच्चा जीता गया था चाइना के द्वारा ओके चलो बताइए अर्चना वो परीक्षा पथ है बच्चा वो हमारा मेरा अपना चैनल है और उस पर मैं पहले नहीं अभी भी पढ़ाती हूँ डेली रात को नौ बजे चलो डी आंसर बांग्लादेश में हुआ था गलत जवाब है ये भारत ने होस्ट किया था फेबररी 2022 में बच्चा अगला सवाल आप सबके सामने है जनजातीय जनगणना 2011 के आधार पर ठीक है जनजातीय जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान करिए जो इन राज्यों को आरोही क्रम में आपका क्या करता है व्यवस्थित करता है आरोही कर्म मतलब बच्चा आपका बढ़ता हुआ मतलब जो आपकी जनजातीय ठीक है जनजातीय जनसंख्या थी ना एस टी की जो जनसंख्या थी आपको बताना है कम फिर उससे ज्यादा में ठीक है तो किस प्रदेश में इन तीनों में तीन तीन आपके तीन ऑप्शन है ओके आपका किन प्रदेशों में सबसे कम फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा आपकी रही है जल्दी से बताइए क्या आपका आंसर होगा मैम सबसे ज्यादा एक बच्चे ने बोला है बी महाराष्ट्र में देन आपका ओडिशा में सॉरी तो सबसे कम महाराष्ट्र में देन ओडिशा में और देन मध्य प्रदेश में ओके जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया था बच्चा वो अवरोही कर्म का पूछा गया था ठीक है यानी कि घटते हुए क्रम का लेकिन यहाँ पे आरोही क्रम है यानी कि बढ़ता हुआ तो सबसे कम बच्चा ओडिशा ठीक है जनजातीय में उसके बाद महाराष्ट्र एंड सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश ठीक है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2018 में ठीक है 2018 की बात हो रही है ध्यान रखना 2018 में गूगल डूगल ने मृणालिनी सारा भाई का सोवा जन्मदिन मनाया था 2018 में गूगल डूगल ने मृणालिनी सारा भाई का सोवा जन्मदिन मनाया था वह इनमें से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है मृणालिनी सारा भाई जो कि आपकी बच्चा क्या है विक्रम सारा भाई की वाइफ थी ठीक है अब बताइए क्या आपका सही आंसर होगा एंड कई सारे आपके सवाल गलत हो रहे हैं बिल्कुल मान सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चा और सही आंसर मान लो कि पेपर ही चल रहे हैं। सही आंसर को करने की कोशिश करिए मैम यशगान देखो यशगान है आपका एक फोक डांस ठीक है यशगान क्या है बच्चा एक फोक डांस है जो कि आपका कर्नाटक का है बाकी सारे हाँ बाकी सारे आपके शास्त्रीय नृत्य है और जो बात हो रही है मृणालिनी सारा भाई की ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम भरतनाट्यम या कथकली उडीसी और कथक इनमें से किससे इनका संबंध था तो क्या कहोगे मैम ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम और कथक अली जो कि तमिलनाडु और आपका केरल का फोक डांस नहीं शास्त्रीय नृत्य है इनमें से कौन सा संगीतकार संगीत, संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत हासिल किए हुए है तो आपके पास चार ऑप्शन है आपको फेमस सितार वादक का जो है नाम यहाँ पर बताना है तो अमजद अली खान बच्चा इनको बोला जाता है सरोद सम्राट बाकी सारे के सारे सरोद वादक ही है खाली एक ऑप्शन को छोड़कर सरोद सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है है ना अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से आपका जाना जाता है और मैम हमारा ए ऑप्शन यानी कि विलायत खान अपना सही जवाब हो जाएगा वो एक सितार से संबंध रखते हैं एक प्रजनन रणनीति देखते हैं बच्चा क्या है एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी जिसमें परजीवी एक ही प्रजातीय विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वह अपने बच्चों को पाल सके ठीक है बच्चा ऐसे जनरेटिव स्ट्रेटेजी को बोला जाता है आपका शाव परजीविता क्या बोला जाता है शाव पर शाव पर जीविता ठीक है अगला सवाल है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की ध्यान से सुनना बच्चा ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विचार किया था स्थिर अवस्था मतलब कि वो बच्चा जो बिग बैंग थ्योरी है उसका विरोध कर रहे होंगे क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो आपका एक विस्फोट हुआ था जिसके बाद आपकी अरबों आकाश गंगाए उनमें अरबों तारे जो कि फैल रहे हैं ठीक है थीके? वो बने थे तो उसका विरोध करने वाले हेरोल्ड जेफरी एडवन हब्बल एडविन हब्बल ने तो अपने दूरबीन से बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है और उसके विपरीत आपकी जो आकाशगंगाएं हैं, वो आपका सिकुड़ रही है ठीक है आकाश सिकुड़ रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है, का विस्तार हो रहा है। तो पियरे साइमन या फिर आपका फ्रेड तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो स्थिरता का ठीक है स्थिरता का सिद्धांत दिया था वो आपका फ्रेड होल यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ सात नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है सात नदियों में से एक झेलम नदी है झेलम नदी का प्राचीन नाम आपका क्या था जल्दी से बताइए झेलम नदी का प्राचीन नाम आपका क्या था पुरुषनी विपाशा विपाशा किसका हो जाएगा बच्चा आपका ब्यास नदी का वितिस्ता या फिर आपका अश्किनी फटाफट से बताओ या फिर आपका अश्किनी तो अश्किनी वितिस्ता झेलम नदी का पूछा है ध्यान रखना किसका पूछा है झेलम नदी का अश्किनी बच्चा अश्किनी तो चिनाब का हो जाएगा चंद्रभागा का हो जाएगा है ना पुरुषनी आपका किसका हो जाएगा रावी नदी का हो जाएगा और वितिस्ता हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वेरी गुड अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा अक्टूबर 2021 में उन्नीस वर्षीय अंशु मलिक ने ठीक है किसने बचा अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आपका सिल्वर मेडल जो है वो भारत की तरफ से जीता था ठीक है अगला सवाल अगले पे चलते हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी ठीक है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो इनमें से किस पर आधारित थी और मुझे ये भी बताना कि ये शुरू किसने करी थी इसको शुरू करने वाला आपका कौन था ये माल्थस के लगान सिद्धांत पर स्मिथ के लगान सिद्धांत पर रिकॉर्ड ठीक है रिकार्डियन की थ्योरी पर या फिर मार्क्स की थ्योरी पर आंसर वेरी गुड बच्चा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लेकिन ये बताइए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा आपकी या किसके टाइम पीरियड में शुरू की गई थी जल्दी से जवाब दो जय वाल्मीकि आकाश वेरी गुड सी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मैम थोमस मुनरो यहां लिख दू मुनरो अगले सवाल पे प्राथमिक माध्यम ठीक है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल ठीक है स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना इनमें से कौन सी है ठीक है आपका एल लक्ष्य ठीक है लक्ष्य ये हिंदी में बच्चा लक्ष्य पीएमएमआई पीएम अभीम या फिर पी एम प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है बच्चा वो आपका डी ठीक है पीएम जय पी एम जय योजना जे ए वाई बताइए क्या हो जाएगा मैम पी एम एम आई नहीं बच्चा, अभीम योजना, A, B, H, I, C, आपका पी एम होगा नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 के जारी सूचकांक में अच्छा ठीक है ये भी जारी किए गए सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एम पी आई एम पी आई के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है जल्दी से बताइए एग्जैक्टली exactly, नरेंद्र पढ़ लेना चाहिए आप सभी को क्योंकि कल एग्जाम है बस रिवीजन अच्छे से कर लो डर अब बच्चा बात ही क्या है थैंक यू आकाश तो बच्चा बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है बिहार इज द राइट right आंसर भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है आपसे सिंपल सा पूछा है कि जो भरतनाट्यम है एक शास्त्रीय नृत्य वो बच्चा किस धर्म से आपका जुड़ा हुआ है या किस आ, पूजा बच्चा उसकी किसकी पूजा होती है ठीक है फटाफट से बताओ धर्म वेरी गुड ठीक है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला इनमें से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है ठीक है इनमें से कौन सा त्यौहार आपका टाई ऑफ प्रोटेक्शन मतलब आपका बच्चा सुरक्षा का धागा एक तरह से उससे जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन करवाचोथ छठ पूजा या फिर आपका बैसाखी बैसाखीन वेरी गुड इवनिंग विकास थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ, तो क्या हो जाएगा मैम इज ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर करवा चौथ बच्चा टाई ऑफ प्रोटेक्शन है या क्या है वो आपकी जब शादी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है बच्चा ठीक है छठ पूजा सूर्य देव को आपका समर्पित है पैसाखी आपका नववर्ष का त्योहार है पंजाबियों का खालसा पंथ की आपकी स्थापना इस टाइम पर यानी कि 13 अप्रैल सोलह सौ में करी गई थी ठीक है बच्चा चलो अगला सवाल है भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है थैंक यू आकाश ठीक है नागरिकता से संबंधित एक तो अपने भारत में किस तरह की नागरिकता है मैम एकल एक नागरिकता है है ना एकल एक नागरिकता है और हमारे संविधान के भाग दो में ठीक है पार्ट टू में जो कि आज के टाइम पे हमारे पास पच्चीस है उसमें बचा आर्टिकल पांच से लेकर ग्यारह तक नागरिकताओं के प्रावधान है ये चीज ध्यान रखना और ये जो थीम है हमने ब्रिटेन से ली हुई है एकल नागरिकता वाली जो थीम है वो ब्रिटेन से ली हुई है तो पांच से ग्यारह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा अगला एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है ठीक है सिंगल्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है बताओ बच्चा कल क्लास ना लेने का रीज़न ये था आ कि कल मेरे फादर की बरसी थी तो पूरा दिन बच्चा घर पे मतलब लोगों का परिवार वालों का आना जाना था चलो मैम ए क्या लिखा है बच्चा नहीं देखो ए नहीं होगा 13.44 पॉइंट फोर फोर मीटर में बच्चा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल्स में ठीक है सिंगल्स में जो आपकी लंबाई होती है वो 13.44 पॉइंट फोर फोर मीटर होती है अगला सवाल आप सबके सामने है आ, 1901 में विलियनों के रासायनिक गति ध्यान से सुनना बच्चा आपका ये आ, एक सेकेंड यस yes. आपका ये केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज था यस yes. चलो 1901 में विलियनों में रासायनिक गति की और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था हेनरी मोइसन को हरमन एमिल फिशर को स्वांते ओगोस्ते और हेनियस को या फिर आपका जेकब हेनरिक्स वेंटीहोफ को जल्दी से आंसर करिए ठीक है ठीके? केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मैम ऑप्शन नंबर डी जेकब वेंटी होफ को ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चा डी इसका सही जवाब हो जाएगा और पहली महिला जिनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी इनमें से किसका उपयोग लार्ज हाइड्रोन सॉरी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर एल और एम स्कैनर बच्चा एम स्कैनर तो जानते होंगे एंड एन स्पेक्ट्रोमीटर में अति चालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है जैसे हम भारी जल उपयोग तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में करते हैं तो बच्चा इसका सही आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर सी हीलियम ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इज हीलियम अगला इनमें से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है इनमें तापी, तापी नदी जो कि आपका पश्चिम की तरफ बहती है, है ना पश्चिम की तरफ बहने वाली तो आपकी नदी है ठीक है पूरा लिखना पड़ेगा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है मध्य प्रदेश के बेतूल जिले से ये आपकी निकलती है इसके किनारे डायमंड सिटी यानी कि सूरत आपका शहर बसा हुआ है सतपुड़ा रेंज आपका बच्चा ये वहीं से निकलती है बाय चांस पूछ लिया जाए तो एंड इसके हिस्से में आपका राजस्थान नहीं आता इसके बेसिन में ठीक है आपका महाराष्ट्र से बिल्कुल होकर गुजरती है गुजरात का तो बच्चा ये वहीं से जाके खंबात की खाड़ी में गिरेगी और मध्य प्रदेश से ये निकलती है तो तापी जो है वो आपका राजस्थान उसके बेसिन में नहीं आता है अगला सवाल किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर दो लाख की गई थी किस ओके okay, आकाश बिल्कुल किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर दो लाख की गई थी अगला सवाल और वेरी गुड शिवानी बच्चा मैम 1980 की औद्योगिक नीति ठीक है 1980 की औद्योगिक नीति चोल प्रशासन में अगला सवाल पढ़िए चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो कि मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा आपकी बसाई गई थी अगला सवाल है अगला सवाल आपके सामने है चोल प्रशासन में नागराम सभा उर या फिर आपका खिल्प तो क्या हो जाएगा चोल प्रशासन में सभा सभा जो है वो गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा आपकी बसाई गई थी अब चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है बच्चा द फाउंडर ऑफ चोलास जल्दी से बताइए फाउंडर ऑफ चोल साम्राज्य चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा आपकी करी गई थी फटाफट से आंसर दो एस के वेरी गुड बी आंसर बी आंसर जल्दी से आंसर दीजिए चोल साम्राज्य की स्थापना hmm. क्या हो जाएगा विजयालय द्वारा ठीक है चलो अगला सवाल आपके लिए लाइन कार्पोलिंग को ठीक है लाइन कार्पोलिंग को रासायनिक आबंधों की और कोमोडिक्स की संरचना के सिद्धांत के लिए उनके शोध के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था 1950 में उन्नीस में उन्नीस में या फिर आपका उन्नीस में ठीक है अगला सवाल है लाइन कॉरपेलिंग को बचा कब आपका नोबेल प्राइज मिला था मैम आपकी क्लास कौन से वाली सुमित एक बार बताओ लाइन uh, कोरपोलिंग को आपका जो नोबेल प्राइज है वो आपका कब मिला था तो क्या कहोगे मैम इनको 1954 में केमिस्ट्री के लिए आपका नोबेल प्राइज मिला था अगला इनमें से किस राज्य संघ क्षेत्र में छत्तीसवें राष्ट्रमंडल खेल अच्छा इनमें से कहाँ पर बच्चा राष्ट्रमंडल खेल मैंने बोल दिया वो कॉमनवेल्थ गेम होता है ये राष्ट्रीय खेल है बच्चा नेशनल गेम्स ठीक है छत्तीसवें आपसे नेशनल गेम पूछे हैं आप मुझे सैंतीसवें अड़तीसवें उनतालीसवें ठीक है ये तीनों के तीनों बताएंगे कि इनका आयोजन जो है कहाँ हो चुका है या फिर कहाँ पर होने वाला है जल्दी से बताइए आपका छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल आपके हुए थे बच्चा गुजरात में ठीक है थर्टी सिक्स राष्ट्रीय गेम जो हुए, तो हुए जो हुए थे वो हुए थे गुजरात में थर्टी सेवेंथ जो हुए थे वो हुआ थे आपके गोवा में ठीक है कहाँ पर गोवा में थर्टी एट्थ कहाँ पर मैम उत्तराखंड में उत्तराखंड में और बच्चा थर्टी नाइन्थ को कौन होस्ट करेगा मेघालय होस्ट करेगा शिलोंग होस्ट करेगा ठीक है मेघालय होस्ट करेगा शिलोंग होस्ट करेगा तो ध्यान रखना सैंतीसवें अड़तीसवें उनतालीसवें जो भी आपसे पूछ ले याद रखना अगला है जो जो को एक उच्च न्यायालय से अच्छा देखो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, मैंने था पोलिटी में ये कहाँ से वर्ड आ गया देखो बच्चा जिसको लिखो इसको एक बार इसको पढ़ेंगे वो कौन है जिसको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार जो है वो आपका मिला हुआ है ठीक है ये यह आपका यहाँ से बच्चा हटा देना फिर से आपके लिए सवाल पढ़ती हूँ जजों का ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है इससे सिंपल तोर कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती ऑप्शन में देखो आपके सामने क्या है आप मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ ये ठीक है क्वेश्चन जजों का ट्रांसफर जजों का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किया जाता है किसके द्वारा ठीक है तो आपका सही जवाब क्या होगा मैम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में दो वर्षों में कोई भी मुख्य अतिथि आपके नहीं आए थे वो दो वर्ष आपके कौन-कौन से थे फिर से पढ़ देती हूँ आप सबके लिए भारत का जो 26 जनवरी 1950 को बचा संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से हम लोकतांत्रिक हो गए थे रिपब्लिक डे पर हम हर साल एक प्रथा होती है कि हम किसी देश के लीडर को बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट जैसे दो में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति ठीक है फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन है ना तो दो साल आपके कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे रीजन था बच्चा उस टाइम पे कोविड नाइनटीन जो है वो बहुत बुरी तरह से आपका फैला हुआ था तो 2019 या 20 में 2020 या 21 में या फिर आपका आगे जो ऑप्शन है उनमें क्या कहोगे मैम देखो बच्चा 2019 के हमारे भारत की अगर बात करें तो बिल्कुल लास्ट में जाके आपका केस आया था एक 2020 में भी आए थे 2021 और 22 में कोई मुख्य अतिथि अपने पास नहीं आए ठीक है ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर सही जवाब होगा ठीक है तो एक बार कोविड का ये भी देखना कि हमारे भारत में उसका ज्यादा प्रकोप या वर्ल्ड वाइड वो ज्यादा कब फैलना शुरू हुआ अच्छा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 2021 हो या 2024 हो बच्चा कब मनाया जाता है उसके अलावा मुझे राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बताना राष्ट्रीय बालिका दिवस अच्छा तेरह अक्टूबर को चौदह अक्टूबर को ग्यारह अक्टूबर को या फिर आपका बारह अक्टूबर को जल्दी से बताइए क्या कह रहे हो नरेंद्र आंसर चौदह अक्टूबर को नहीं सी आंसर इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर को ठीक है सी आंसर इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर को एंड चौबीस जनवरी को बचा चौबीस जनवरी को आपका क्या सेलिब्रेट होता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट होता है ठीक है राष्ट्रीय बालिका दिवस अगला सवाल आपके सामने है ये अच्छा सवाल है एक्चुअली साइंस का ठीक है इसको ध्यान से पढ़ना देखो डैश ठीक है आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है हवा प्रकाश ठीक है उसके अलावा भोजन को खराब करने वाली जीवनविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण अभ्यास या जल अपघटन की एक प्रक्रिया है ये बच्चा खराब करना किसी चीज़ को उसके बारे में एक आपकी थ्योरी टाइप लिखा हुआ है अब आप मुझे बताइए स्वतः उपचयन विकृति गंधन ये प्रक्रिया है स्वतः तकनीशियन ठीक है ऑटो टेक्नीशियन ये आपकी है या फिर अनडिफाइंड है जल्दी से आंसर करिए ठीक है फटाफट से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी मैम वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विकृति गंधन एक तत्व एक्स की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त दो और समूह सत्रह के अंदर शामिल है जो आपका बच्चा क्या होगा जो कि आपका आवर्त 2 और आपका समूह 17 के अंदर है दैट इज फ्लोरीन ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज परमाणु क्रमांक एटम नंबर जो होता है वो आपका 9 होता है इनमें से किसकी -किस स्थापना 1875 में बंबई में करी गई थी इनमें से किसकी -किस स्थापना 1875 में बंबई में करी गई थी तो मैम 1875 हमें याद है इसमें आर्य समाज लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती जल्दी से आंसर कर दो स्वराज्य का सबसे पहले स्वराज्य का सबसे पहले जो शब्द है वो इन्हीनो इन इन्होंने इन ही दिया था सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की वचा कृति है वेदों की ओर लोटो ये बताइए किसका किसके द्वारा कहा गया है वेदों की ओर लोटो ये किसके द्वारा आपका कहा गया है जल्दी से बताइए वेदों की ओर लोटो ये किसके द्वारा आपका कहा गया है एक एक मैंने सवाल पूछा है आपसे वेदों की ओर लोटो ठीक है फटाफट से आंसर बताइए फिर हम आगे चलते हैं उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में जापानियों ने कबाड़ियों के नेतृत्व में लाल कुर्ती ठीक है लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना आपकी करी थी ठीक है तो इनमें से खुदाई खिदमतकार के बच्चा लीडर कौन थे जल्दी से बताइए मोहम्मद अली एम ए शोधार्थी हसरत मोहानी या फिर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान दयानंद सरस्वती कुछ वे बोल रहे विवेकानंद बच्चा इसमें अभी तक आप कंफ्यूज हो खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं बिल्कुल सही है लेकिन आप इस सवाल में जो मैंने आपसे पूछा है वेदों की ओर लोटो आप उसमें दयानंद सरस्वती और विवेकानंद में कंफ्यूज हो सही आंसर नहीं है किसी के पास अगला फिशर की मात्रा सिद्धांत ओके फिशर की मात्रा सिद्धांत के फिशर uh, की मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध कोलम के माध्यम से सम्मिलित किया गया है बच्चा इधर वाला देखना कि उनका जो सिद्धांत है वो आपका क्या है ठीक है एम टी इज इक्वल्स टू अगर फिशर का सिद्धांत पढ़ा हुआ है सिंपल बताइए एम पी इज इक्वल्स टू या फिर एम वी इज इक्वल्स टू पी टी पी वी इज और आज का होमवर्क क्वेश्चन जो है वो आपका यहीं से निकलेगा ध्यान रखना ठीक है सही जवाब मैं अभी बता देती हूँ एम वी इज इक्वल्स टू लेकिन ध्यान दिलाना बच्चा आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन यहीं से रहेगा ठीक है अगला है जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों को अगले पांच वर्षों के लिए अपना संगठन बनाया है ठीक है एक बार मैं फोन देख लू अच्छा आप इसका आंसर करिए नाम है टाइपिस्ट का

मुझे एक सेकंड का टाइम दो और आपको मैं फिर ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ के बताऊंगी

भेज दिया मैंने बच्चा थैंक यू सो मच चलो हाँ अरे सवाल तो पढ़ के दिखाना था बच्चा आपको ओके सवाल ये है जनवरी 2022 में एक बार मैं आपके लिए सवाल पढ़ देती हूँ जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए ठीक है दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए ठीक है दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए अगर आपने स्कीम पढ़ी होगी तो आपको आराम से पता चल गया होगा सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई बच्चा ठीक है भीम आ, भोई योजना का नाम मैं लिख रही हूं यहाँ पर भिन ख्यामा ठीक है या मा समर्थ अभियान ठीक है इसका पूरा नाम ये है आपका समर्थ अभियान समर्थ अभियान बीबीएसए इसको बोलते हैं बच्चा बीबीएसए स्कीम ठीक है अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप कहेंगे मैम ये जो बीबीएसए योजना है ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा आपकी पांच सालों के लिए यानी कि 2022 से आगे पांच साल लगा लेना दैट इज राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल आप सबके सामने अब अगर कोई गलती आएगी तो मैं बच्चा क्वेश्चन है मेरे पास वो आपको मैं बता दूंगी ठीक है अच्छा इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द का शब्द का जो है अर्थ बताता है लेट्स सी क्या आया है क्या है इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ जो है वो बताता है अगला सवाल आप सबके सामने हाजिर है और मनोनीत प्रमुख अधीनस्थ प्रमुख प्रमुख था या फिर आपका वंशानुगत इधर पढ़िए बच्चा नॉमिनेटेड हेड सबोर्डिनेट चीफ प्रोमिनेंस या फिर आपका हेरिडेटरी चीफ क्या बताता है इसमें निर्वाचित क्यों नहीं लिखा हुआ एक सेकंड क्योंकि वो तो निर्वाचन से ऑब्वियसली आपका आता है चलो निर्वाचित प्रमुख इसका बच्चा सही जवाब होगा एक सेकेंड मुझे और दीजिए बस निर्वाचित प्रमुख निर्वाचित प्रमुख है? निर्वाचित प्रमुख बच्चा ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ कैसे होते हैं आपके बच्चा निर्वाचन यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जो शख्स होते हैं हमारे द्वारा चुने गए आपके लोग होते हैं वो आपके देश को चलाते हैं ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं मत्स्य का नाटक जो है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है मच्छ्य का जो है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है मच्छ्य का किसके द्वारा लिखा गया है एग्जैक्टली exactly, वरुण और बच्चा इसमें गलती अब देखो मैराथन के आपके इतने 400 प्लस क्वेश्चन है अब एक टीचर ये तो नहीं करेगा 400 सौ क्वेश्चन की वो स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढेगा उसके पास क्वेश्चन होते हैं उनका उसके पास डाटा ठीक है हम डाटा भेज देते हैं अब अपनी इनकी गलतियों के लिए हमें ना सुनना पड़े इसलिए मैं जस्ट प्रूव भेज रही हूँ ठीक है चलिए बताइए बी ऑप्शन मैम शुद्रक चलिए ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चे मैंने क्वेश्चन खोल रखे हैं शुद्रक इज द राइट आंसर ठीक है ताकि कोई गड़बड़ हो तो मैं आपको बता दूं 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ एंड अगेन दिल से सोरी बच्चा गलती चाहे किसी की भी हो बट आपके सामने मैं हूं रिस्पॉन्सिबल सो सॉरी फॉर दैट तो बच्चा 2020 के जो ओलंपिक गेम जो कि आपके 2021 में हुए थे वो आपके जापान टोक्यो में हुए थे ओके okay. ये छत्तीसवा संस्करण था आपका यस yes और नो no, बताना जरा क्या ये ओलंपिक का छत्तीसवा संस्करण था मैं गलत भी हो सकती हूँ बच्चा क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि दो में जो ओलंपिक हुए हैं वो कौन सा संस्करण था जल्दी से बताना ठीक है देखो 2021 में आपके हुए थे भारत का जो स्थान रहा है भारत का स्थान बच्चे इसमें 48वां रहा है उसके अलावा भारत को जो टोटल मेडल मिले हैं वो सात मिले हैं जिसमें से एक गोल्ड है ठीक है दो आपके सिल्वर है मैंने शायद आपको कल या परसों ये सबके नाम जो है वो आपको बताए भी थे अब ब्रोंज है इनमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है 41 सालों के बाद इकतालीस सालों के बाद जो है वो हॉकी ने कोई मेडल जो है वो आपका जीता है ठीक है 1980 में आपका लास्ट जीता था ठीक है चलो आ, अगले सवाल पे चले अगला सवाल आपके सामने है आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय क्रांति के मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे ठीक है देखो जब तक अपने भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी तब तक भारत जो है वो क्या बनाने में सबसे ज्यादा निपुण हुआ करता था आप कहेंगे मैम रेशमी और सूती टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का व्यापार रेशम के और कॉटन के कपड़े जो है वो आपका भारत जो है बहुत बड़े लेवल पर आपका मैन्यू करता था। बाद-बाद में आपके औद्योगिक क्रांति आई टेक्निक्स आई बच्चा, टेक्नोलॉजी आई तो भारत जो है वो आपका और थोड़ा सा बढ़ता गया ओके ऑप्शन नंबर ए सही जवाब औद्योगिक क्रांति अगर हम कहें तो कब मैम दूसरी जो आपकी फाइव ईयर प्लान आया था उसमें उद्योगों को हमने बढ़ाया था अगला सवाल है का नृत्य कला ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में दो पुरुषों द्वारा जानलेवा जनवादी नृत्य का चित्रण करता है। गुजरात का ठीक है ये गोवा है बच्चा सेकंड नंबर ऑप्शन में गोवा ठीक है गोवा का उड़ीसा का या फिर आपका उत्तर प्रदेश का तो दस कठिया नृत्य प्रणाली बताइए आपका कहां का है उड़ीसा का मैम तो उड़ीसा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से कौन सा लाल आभूषण है ठीक है इनमें से कौन सा रेड ओर्नामेंट है जबकि ये रेड ऑर्नामेंट हो ही नहीं सकता ये आपका सवाल है इनमें से कौन सा लाल शैवाल है ठीक है इनमें से कौन सा लाल शैवाल है बच्चा ठीक है क्योंकि इसका ऑप्शन देखते ही सही आंसर एकदम दिमाग में छप गया था सवाल क्या है इनमें से कौन सा लाल शैवाल है इनमें से कौन सा लाल शैवाल है इनमें से कौन सा लाल शवाल है ठीक है इनमें से कौन सा लाल शैवाल है बच्चा तो रोडोफाइसी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है कई बार मैंने इसको प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है ठीक है अगला सवाल आपके सामने है नृत्याचार्य पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रसिद्ध है तो सिंपल सा सवाल है गुरु बिपिन सिंह का संबंध आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है ठीक है गुरु बिपिन सिंह का संबंध आपका किस नृत्य से अच्छा मैंने उड़ीसा लिख दिया उत्तर प्रदेश में निशान लगा दे बच्चा उड़ीसा की जगह ठीक है तो ये गलत नहीं है मैंने बोला उड़ीसा ही था लेकिन आपका इस चक्कर में क्वेश्चन गलत कर रखे हैं थोड़ा मेरा दिमाग बच्चा उधर जा रखा है अभी है ना क्या बोला जाए अब यहाँ पे आ जाए गुरु बिपिन सिंह तो बच्चा गुरु बिपिन सिंह को कत्थक के लिए नहीं रे बच्चा आपका जाना जाता है ओडिसी कुचिपुड़ी कत्थक या फिर आपका ऑप्शन है नंबर फोर मणिपुरी देखो ऐसे सवालों में ना ऐसे सवालों में टाइपिस को गलत नहीं बोलूंगी उसने कुछ भी टाइप कर रखा हो आपके ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले गुरु बिपिन सिंह ठीक है इनके लिए बच्चा आपको बिल्कुल ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है ध्यान रखना ओके उडीसी के केलुचरण महापात्रा केलु महापात्रा ध्यान रखना केलुचरण महापात्रा सुकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है ठीक है सुकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है चलो एक बार मैं बच्चा बता तो भी देती हूँ सुकूर खान एंड आपके पंडित राम नारायण मिश्रा ऑप्शन नंबर सी गिटार नहीं होगा आपका सारंगी इसका सही जवाब होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सारंगी चलो अगला सवाल इनमें से हिमालय के किस उपखंड उपखंड में, में कंचनजंगा पर्वत स्थित है अच्छा ठीक है मैंने बोला है कि भाई हर क्वेश्चन को तो आप सही नहीं करोगे ना अच्छा महान हिमालय तो कंचन जंगा जो है वो आपका कहां पर है कश्मीर हिमालय दार्जिलिंग या फिर आपका सिक्किम ठीक है अब सिक्किम को संगठन कौन लिखता है लिटरली जिसको भी हायर किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ इंसान है अगर वो देख रहा हो तो अगर सामने मत आना मेरे कभी भी बच्चे ठीक है तो बच्चा जो आपका क्या है जो कंचन जग्गा है वो सिक्किम और दार्जिलिंग के बच्चा सीमा पर है आप इसका सिक्किम भी आंसर कर सकते हो ठीक है चलो अगला सवाल आपके लिए है 1528 में चंदेरी के युद्ध में ठीक है चंदेरी के युद्ध के बाद आपकी किसकी हार हुई थी अब चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर के द्वारा लड़ा लड़ा गया गया था था ठीक है बाबर लड़ा गया था। बाबर के द्वारा का जो आपका युद्ध अभियान शुरू होता है वो 1526 से शुरू होता है पानीपत की पहली लड़ाई से ठीक है पानीपत की पहली लड़ाई से जिसमें वो आपका इब्राहिम लोदी को हराता है ठीक है बच्चा यहां तक ध्यान रखिए अब देखो इसके बाद 1528 में जब वो चंदेरी का युद्ध लड़ता है तो आपका वो हारता है शेर सासुरी बाउलो यहाँ कहाँ से आ गए बच्चा शेर सासुरी पंद्रह में इनके वोर होते हैं पंद्रह और 1540 वाला चौसा का जिसके बाद ये शेर शाह की उपाधि धारण करता है और आपका कन्नौज का ठीक है आपका कन्नौज का अब चौसा के वोर में और कन्नौज के वोर में ये हराता किसको है हुमायूं के सॉरी आ, बाबर के बेटे हुमायूं को आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा मेदनी राय को जो कि एक राजपूत शासक था ठीक है वो सब सही है बच्चा वो इस ले नहीं आ रही थी क्योंकि जो जो ये टाइपिस्ट था ठीक है और जो उन टाइपिस्ट के हेड हैं उनको मैंने फोन करके बताया था कि एक टीचर हर सवाल को ठीक है आपके मैराथन में 400 प्लस क्वेश्चंस रखे थे अब बच्चा एक टीचर 400 क्वेश्चन चेक थोड़े ना करता है ठीक है हर क्वेश्चन को तो मैं चेक नहीं करूंगी ना ये इतनी सिली सिली आप क्वेश्चन कर सकते हो ऑप्शन कौन गलत रखता है और जबकि आपने डाटा इतना ऑथेंटिक दिया हुआ हो चलिए तो यहाँ पर मेदिनी राय जो कि एक राजपूत शासक था इनमें से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है इनमें से कौन सी भाषा तिब्बती ठीक है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से आपका संबंध रखती है तो दैट इज बच्चा आपका त्रिपुरी ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा आपका किया गया था अयोध्या इतने थप्पड़ लगेंगे ना ये तुम्हारे मतलब की बात है लोगों तो को पता नहीं कौन बुला देता है पढ़ना ही क्यों पढ़ते ही क्यों है अच्छा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन वी के आर वी राव है मैम यही आ, यही हमें थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बच्चा दादा भाई नोरोजी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ठीक है ग्रैंड ओल्ड मैन की जो है आपको इनकी उपाधि मिली हुई है अट्ठारह में पहले भारतीय थे जो कि आपके पहले भारतीय थे जो कि आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे ठीक है इनका सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो इनकी बुक से ही आया है है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इनकी बुक है बच्चा पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अच्छा ये बताइए जो पीसी महल नोबिस थे ठीक है इनके सिद्धांत पर आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी कौन सा फाइव ईयर प्लान इनके सिद्धांत पर आपका चला था जल्दी से बताइए उन्नीस सौ नहीं अठारह सौ ठीक है ध्यान रखना थैंक थैंक यू यू शिवम सो मच पहला बच्चा पहला तो कृषि पे आधारित था हेरोल डोमर मॉडल के द्वारा सेकंड फाइव ईयर प्लान ध्यान रखना ठीक है uh, सेकंड फाइव ईयर प्लान औद्योगिक क्रांति के जनक ठीक है अगला अगला सवाल है आपके लिए किस देश का आर्थिक विक, किसी देश का आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है ठीक है ठीक किसी देश का आर्थिक विकास कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो करेगा ये किस बात पर निर्भर करता है बच्चा उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने भर भर के हैं है, है ना क्योंकि उसको उसका आयात नहीं करना पड़ेगा उसके पास बाजार का मार्केट साइज जो है वो आपका कितना है बाहर से उसके पास कितना निवेश आ रहा है कितने बाहर के जो अमीर अमीर देश है वो उसमें इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए या फिर उसका कैपिटल फॉर्मेशन आप कहेंगे कि मैम ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये सारे के सारे भागीदार होते हैं किसी देश को विकसित बनाने के लिए ठीक है अगला सवाल डब्ल्यू टी ओ का मुख्यालय कहां पर है डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगला सवाल है तो आपका ये सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा मैम जेनेवा स्विट्जरलैंड में है रेड क्रॉस का यहीं पर है, है ना रेड क्रॉस सोसाइटी तीन बार आपका नोबेल प्राइज मिल चुका है शांति के लिए ठीक है तीन बार नोबेल प्राइज मिल चुका है आपका शांति के लिए सबसे ज्यादा बार मिला हुआ है आपका w, L, का यहीं आई एल ओ का, का इनके फुल फॉर्म तो पता है यसोर नो सबकी सबके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ठीक है आई एल ओ का यहीं पर है डब्ल्यू ठीक है एच का यहीं पर है ध्यान रखना बच्चा ठीक है W एच जो मेन मेन आपके संगठन है चलिए अगला सवाल अगला सवाल है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है ठीक है मुद्रा आपाति मुद्रा आपूर्ति यानी कि जो मनी सप्लाई है वो किसके द्वारा आपकी कंट्रोल की जाती है इनीवा. चलिए मैम डी आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही बच्चा ठीक है अच्छा तब तक बताइए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक एक अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी स्थापना आपकी करी गई थी ठीक है करंट गवर्नर आपके शक्तिकांत दास है पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख सर थे सीडी देशमुख सर ठीक है डी ऑप्शन बिल्कुल सही भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ऑप्शन देखना बच्चा एंड उसके बाद जो आज के टाइम पे प्रेजेंट में है वो भी बताएंगे थैंक यू सो मच वर्तिका थैंक यू सो मच बच्चा हाँ ओके okay. तो मैम सही आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड बच्चा पहले यही हुआ करता था जोग वॉटरफॉल किस नदी पर है शरावती नदी पर है ठीक है कहां पर है कर्नाटका के अंदर है लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर आपका कौन सा है एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट आपका एस इन टी ठीक है आपका कौन सा है मैम कुंचिकल वॉटरफॉल है किस नदी पर है आपका वराही रिवर पर है वराही रिवर कहाँ पर है कर्नाटका के अंदर है ठीक है कर्नाटक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल अगला है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश आपका कौन सा है ठीक है मतलब जहां पर जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है पार्टीशन से पहले आपका क्या था बच्चा ईस्ट बंगाल है ना लेकिन उसके बाद आपका क्या बन गया हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल ठीक है पश्चिम बंगाल इसदा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनमें से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से ठीक है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि से आपका क्या हो रखा है आपका कनेक्ट हो रखा है पाकिस्तान और चाइना नो भारत एवं श्रीलंका बिल्कुल सही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो अलग हो रखे हैं बच्चा वो 38 पैरेलल लाइन से ठीक है 38 डिग्री पैरेलल लाइन से और ब्रिटेन और फ्रांस आपका कुछ भी आप लिख सकते हो डोवर संधि लिख लो इंग्लिश चैनल लिख लो है ना दोनों तो सही हो जाएंगे अगला सवाल अगला हो जाएगा भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है अरे वाह भास्कर थैंक यू सो मच बच्चा लेकिन वो आ, मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि वो अब आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहा और इसकी मैं जो वजह है वो आपको दे पाऊंगी कुछ टाइम के बाद कि क्या वजह है आपको सुन के दुख नहीं जि, अरे जिब्राल्टर कहाँ आ गया वहाँ पे जिब्राल्टर कौन लिख रहा है बच्चा जिब्राल्टर है अफ्रीका और यूरोप के बीच में और देशों की अगर हम बात करें तो मोरक्को अफ्रीका में और स्पेन आपका यूरोप का उन दोनों के बीच में है आपका एंड हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज आंध्र प्रदेश पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को हाँ बिल्कुल होगी अब है नौ बजे आपकी तो बच्चा पहली बार आपका हिरोशिमा है ना पहली बार आपका हिरोशिमा उसके सॉरी उसके तीन दिन के बाद यानी कि नौ अगस्त को आपको नागाशाकी पर है ना छे को हिरोशिमा पे नौ को आपका नागाशाकी पे ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है तो जो ओजोन परत है जो कि हमारी यूवी किरणे से मदद करती है वो समताप मंडल में पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला अच्छा इसकी खोजकर्ता मतलब खोजकर्ता तो नहीं बच्चा इसको इन्वेंट किसने किया था उन पर मूवी बनी है ना बताओ एक बार महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वो आपके कौन थे अरविंद घोष एक वकील थे आ, गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर गोखले डेसिबल शब्द जो है वो इनमें से किससे संबंधित है डेसिबल शब्द इनमें से किससे संबंधित है तो डेसिबल का बच्चा अर्थ होता है ध्वनि ठीक है आपका इसी को मापने के लिए यूज किया जाता है साउंड अगला अंग महाजनपद की राजधानी आपकी क्या थी अंग महाजनपद आपको पता है ना हमारे सोलह महाजनपद हुआ करते थे जिनकी अलग अलग राजधानी और आज का टाइम पीरियड आपका उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी हटके है, है ना तो जल्दी से बताइए अंग की राजधानी आपकी क्या थी पूजा गलत है आपका सवाल वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु नहीं थे इवन उनके विचार उनसे थोड़े ऑपोजिट थे चंपा वेरी गुड मैम ऑप्शन नंबर डी ये रहा आपका चंपा एंड बच्चा मैंने यहाँ 16 के 16 ये महाजनपद है ये उनकी कैपिटल है जैसे मगध की बच्चा राजगिर काशी की काशी वत्स आपकी उसकी कौशाम्बी कौशल की श्रावस्ती ठीक है सूरसेना की मथुरा और यहाँ पर आज उनकी मॉडर्न लोकेशन है तो जब भी आप क्लास खत्म होगी पोज करके एक बार इनको देख लेना ठीक है यहाँ पर मत से आपका विराट नगर आज के टाइम पे जयपुर में चेंदी बचा आपका बंदा बुंदेलखंड के अंदर अवंती की उज्जैन ठीक है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश और मालवा वाला रीजन गांधार की तकशिला रावलपिंडी वाला आपका रीजन ठीक है तो ये आप एक बार देख लेना अगला सवाल है आ, शांत घाटी किस राज्य में है साइलेंट वैली आपका कहाँ पर है साइलेंट वैली आपका कहां पर स्थित है आ, एक बार देखते हैं अगर वो बिग हो जाएगा तो लो अब देख लेना मैं इधर लगा देती हूँ उसको क्योंकि हिंदी में तो आप आसानी से पढ़ ही लोगे अब दिख रहा है बच्चा अब देख लेना ठीक है अब सही है पीडीएफ में ये ऐसा ही आएगा चलो अगला सवाल है शांत वैली आपका कहां पर है तो साइलेंट वैली आपका केरला के अंदर है साइलेंट वैली आपका केरला के अंदर मौजूद है सुनामी का मुख्य कारण आपका क्या होता है ठीक है सुनामी का मुख्य कारण आपका क्या होता है सुनामी का मुख्य कारण आपका क्या होता है वो बच्चा दिखाने के लिए मैंने रखा भी नहीं है एक रिवीजन के लिए रखा हुआ है ठीक है उसपे हम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते टाइम आपको पीडीएफ मिलेगी एक बार देख लेना वरना यहाँ पे हम आप सबको अगर देखना है लिख रहे हो तो बताओ मैं इसको फिर से लाऊ ठीक है और अगर याद है मेरे हिसाब से देखो याद होने चाहिए क्योंकि महाजनपदों से स्पेशली यूपी में तो बहुत सवाल आते हैं चलो सुनामी का मुख्य कारण आपका चक्रवात ठीक है साइक्लोन्स ज्वालामुखी चंद्रमा का आकर्षण या फिर आपका जो अर्थक्वेक आता है सी सरफेस पर वो होता है तो बच्चा ऑप्शन नंबर जो आपका चक्रवात अच्छा मुझे ये बताओ बच्चा अभी हाल ही में हमारे गुजरात पे भी आपका चक्रवात आया था कई सारे आ चुके हैं ना आ, इंडियन ओशन में तो कोई भयंकर सुनामी आती है उससे नहीं आपका होता है समुद्री सतह पर आना ठीक है समुद्री सतह पर आपके भूकंपों का आना अगला भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान यह मैं कई बार करा चुकी हूं आपका लखनऊ के अंदर है आपका ऑप्शन नंबर बी मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा आपका विकसित किया गया था सेन बच्चा नोबेल प्राइज विनर है आ, मोटेंग सिंह महबूब हक या फिर फ्रिडमैन ठीक है फ्रिडमैन थैंक यू सो मच बच्चा लेकिन कोशिश करना एग्जाम निकले क्योंकि वो ही आपके भविष्य को सुधारेगा बच्चा ठीक है भास्कर चलो मैम बी ऑप्शन बावलो ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक कृषि उत्पादों की उत्पादकों की कोटी ठीक है कि किस कोटी का है किस प्रकार आपकी निर्धारित की जाती है हाउ इज कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर डिटरमाइन बच्चा ISI होल मार्क के द्वारा ग्रीन प्रोडक्ट के द्वारा एगमार्क के द्वारा एजी मार्क, मार्क भी इसको बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल प्रोडक्ट के द्वारा बताना जरा आप कहोगे मैम एजी एग फॉर एग्रीकल्चर एंड यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एगमार्क के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार आपका स्वीकृत हुआ था ठीक है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब हुआ था आजादी के एक साल बाद यानी कि 1948 में बच्चा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ओके जतिन थैंक यू सो मच इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता था इंसुलिन के इंजेक्शन किसमें दिए जाते हैं बच्चा मेनली जो शुगर पेशेंट होते हैं है ना कौन होते हैं शुगर पेशेंट होते हैं तो मैम एडवर्ट जेनर एफ बाफ्टिंग एस ए वेक्समैन या फिर रोनाल्ड रोस क्या सही जवाब हो जाएगा वेरी गुड बी इज द राइट आंसर मैम एफ बांटिंग ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला सवाल है अमेरिका की खोजकर्ता कौन है तो आपका कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कैप्टन कुक को बोला जाता है बच्चा न्यूजीलैंड का खोज करता ऑल दो वो ऑस्ट्रेलिया भी गया था बट ऑस्ट्रेलिया वो भटका बहुत ज्यादा क्योंकि वहां पर उसको रेगिस्तान ही रेगिस्तान मिला ठीक है कोई पानी का सोर्स नहीं उसके बाद वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाता है आपने कुक जलसंधि भी सुनी होगी न्यूजीलैंड को दोनों को अलग करती है, है ना चलो न्यूजीलैंड का खोज करता अगला सवाल आपके सामने हाजिर है नासिक किस नदी के किनारे आपका स्थित है नासिक किस नदी के किनारे है तो नासिक बच्चा आपका गोदावरी के किनारे है क्योंकि यही से निकलती है कटक आपका महानदी के किनारे है, है ना तापी के किनारे सूरत है तापी के किनारे आपका सूरत शहर है मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन बच्चा फंगस से प्राप्त होती है फंगस आपका आ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए फफूंद ठीक है अगला सवाल है पित्त का क्या है इज़ द सोर्स ऑफ बाइल ठीक है पित्त का स्रोत क्या है सिर्फ जीएस का ही मैम डर लगता है बच्चा जीएस क्योंकि बहुत वास्ट है कहा से क्या पूछ ले नहीं पता होता सच में आप मतलब हम टीचर्स या कोई भी कितने भी अंदाजे भिड़ा ले कराने के हम सब कुछ कोशिश करते हैं क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता हम भी बस एक पैटर्न पे चलते हैं ठीक है कि पिछले एग्जामों में उसने ये पूछा था तो अभी भी वो पैटर्न सेम रखेगा जैसे एसएससी हुआ करता था ठीक है लेकिन अब एसएससी भी चेंज हो गया है आपका ऐसे यूपी अगर इस बार चेंज हो गया होगा दो तीन सालों में तो देखा जाएगा है ना अच्छा तो बच्चा यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा मैम यकृत यानी कि लीवर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा किस देश में विक्रम संवत ये विक्रम संवत लिखा हुआ है बच्चा ठीक है आपका शक संवत होता है एक विक्रम संवत होता है है ना कैलेंडर की बात हो रही है विक्रम संवत जो है वो आधिकारिक कैलेंडर है तो ये कहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है मैम नेपाल का ये आधिकारिक कैलेंडर है ठीक है नेपाल का ये आधिकारिक कैलेंडर है अगला सवाल है गांधी जी द्वारा सन में पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा संपादित आपका समाचार पत्र सर्वोदय 1933 में आर्या टाइम्स ऑफ इंडिया या, या यंग इंडिया सही जवाब हो जाएगा बच्चा द यंग इंडिया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अगला भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बचा मेन इसका जो आ, क्या है टर्म है वो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटीज तो आपका भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी मैम गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी किसके द्वारा थैंक यू फरहान गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी एंड किस जुर्म में ये भी बताना क्या खता ऐसी करी है ना बताओ हाँ तो जतिन दास चंद्रशेखर आजाद कल्पना दत्त आपका राजगुरु ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद आपका इनमें से किस शहर में स्थित है मोती मस्जिद इनमें से किस शहर के अंदर स्थित है नेक्स्ट सवाल आप सबके लिए और नेक्स्ट सवाल का सही जवाब हो जाएगा आगरा जयपुर अहमदाबाद या लाहौर देखो दिल्ली में भी है आप सबको पता है लेकिन दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है तो आगरा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला इनमें से विटामिन ई e का अच्छा स्रोत कौन सा है तो बच्चा विटामिन ई e जो आपका आ, जिसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको ब्यूटी विटामिन ही भी बोला जाता है और ये ताजी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है ठीक है इसके कैप्सूल्स भी आते हैं बीमत लिखना पीला योग ताजी सब्जियां लिख लेना है ना मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है 206 सौ हड्डियां होती है अगला है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में आपको नहीं मिलेगा ठीक है उस आ, क्या नाम है उस विटामिन का नाम बताइए जो आपको किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा हाँ बी ट्वेल्व गलत है बच्चा विटामिन डी किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है विटामिन डी नहीं मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है स्किन कहीं नहीं लिखा हुआ है मानव शरीर का हार्ट ब्रेन लीवर या फिर आपका किडनी तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम दैट इज ऑप्शन नंबर सी लीवर ठीक है आपका ऑप्शन नंबर सी लीवर अगला वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट होती है में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है प्लेन मिरर कोनवेक्स मीर या फिर आपका पैराबोलिक कॉन्केव मीर ठीक है परवर लिए आपका दर्पण वो भी अवतल तो क्या हो जाएगा बच्चा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसीलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा है ठीक है पर दर्पण ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ध्यान रखना ओके? चलिए अगला सवाल है किस तुल्यकाली उपग्रह उपग्रह की, की की किसी तुल्यकारी पृथ्वी की, की सतह से ऊंचाई लगभग आपकी कितनी होती है तो बच्चा ये होती है छत्तीस हजार किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है किसी बिजली की जो प्रेस बोलते हैं घर पे आयरन ठीक है बच्चा किसी बिजली की स्त्री को ग्रम स्त्री मतलब आयरन ठीक है उसको स्त्री भी बोलते हैं ना आ, और प्रेस घर में ज्यादातर क्या बोलते हैं प्रेस कर रहे हैं है मैम कपड़ों पे है ना किसी बिजली की किस स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग जो है वो किया जाता है तांबा जस्ता टंगस्टन या फिर आपका निक्रोम सही जवाब क्या हो जाएगा मैम निक्रोम ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह जो है जो कि आपके अट्ठासी दिन लेता है केवल आपका सूर्य का एक चक्कर लगाने में ओके अगला नेक्स्ट हो जाएगा जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं बच्चा ये जो डी ऑप्शन में लिखा है ना इसको गैल्वनाइजेशन बोला जाता है ठीक है अब बताइए अब शायद आपको सही जवाब मिल जाए तो मैम इसको हिंदी में यशदीकरण या फिर आपका ग्लेवनाइजेशन ही बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपके लोहे के पाइपों पर जिंक की लेयर चढ़ाना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मिश्र धातु बनाना वाह अच्छा मैंने इसका देखो हां मैंने इसका लिखा था आपके लिए कि आप

न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन जिसने कहा वो बिल्कुल गलत कहा है इनमें से कौन सा आपका मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला आपका मिसाइल है ठीक है बच्चा भूमि से वायु में जाने वाला आपका मिसाइल है त्रिशूल वेरी गुड मैम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अगला पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है टेट्राएथिल लेड टेट्रा टेट्रामिथाइल लेड टेट्रा सॉरी ट्राईएथिल लेड यहाँ पे देख लेना बच्चा ठीक है और या फिर आपका टेट्रामिथाइल लेड लेड मतलब शीशा क्या हो जाएगा मैम वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए टेट्रा लेड ऑप्शन नंबर ए टेट्रा लेड नेहरू ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है तो इनमें से नेहरू ट्रॉफी बच्चा आपका फुटबॉल के लिए खेली जाती है नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश का आपका उपज है तो उडीसी जो है वो आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ठीक है अगला है किसी कंप्यूटर में जोड़ने ठीक है किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पर होते हैं तो ये जो कार्य होते हैं ये उसके मेमोरी चिप में होते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मोन मोनालिस अच्छा मोनालिसा ही है ठीक है मोनालिसा की सुप्रतित जो चित्र है वो किसके द्वारा आपका बनाया गया है द मोनालिसा पेंटिंग बच्चा आपका ये किसके द्वारा आपकी बनाई गई है तो मैम मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा आपकी बनाई गई है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा वह प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने सात प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे ओके okay. चांदनी आ, बुला चौधरी मृदुला राजीव या प्रिय शानबाग तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम शी वॉज बुला चौधरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट भारत में सॉरी ये हमारा हो गया बच्चा रिपीट किसी राजनीतिक दल को ठीक है किसी राजनीतिक दल को आ, क्या था क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं चलो आप इसका आंसर दो तब तक पढ़ के पागल हो गए बच्चा लैंड टू आपका एयर दैट इज त्रिशूल ठीक है चलो अगले पे भार आ, ये है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए ठीक है कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए तो चार परसेंट आपका और हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा किसको मिला था बच्चा आम आदमी पार्टी को ठीक है कि भारत में नियंत्रित एवं महालेखा का कार्यकाल कितना होता है तो इनका कार्यकाल जो होता है वो छह साल का होता है अगला है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे ठीक है भारत के शिवम गलत है बच्चा आपका एक बार फिर से सर्च करो इसको भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकून कुमार सेन थे आर्टिकल नंबर 324 आपको ठीक है 25 जनवरी को गठन किया गया था चुनाव आयोग का 1950 एंड वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे uh, जो है हम सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन को uh, उसके अलावा एट प्रेजेंट हमारे राजीव कुमार है एट प्रेजेंट जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हो जाएंगे अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु जो होती है वो कितनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 है ना बच्चा 214 में क्या हो जाएगा आपका हाई कोर्ट का गठन है ना और ये पैंसठ साल होती है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अगला है सूफी परंपरा में जो पीर है उस शब्द का मतलब क्या है सूफी परंपरा में जो पीर है उस शब्द का मतलब क्या है आ, ओके भास्कर बच्चा अब बस उसी के लिए आएंगे ठीक है? चलो आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा सूफियों के गुरु ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है अगला गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस साल की गई थी तो मैम तेरह अप्रैल सोलह सो निन्यानवे में ठीक है तेरह अप्रैल सोलह सौ सो निन्यानवे में ठीक है चलिए अगला पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक इनमें से कौन है महात्मा गांधी दयानंद सरस्वती महात्मा बुन्द या जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक इनमें से कौन है बासठ बरस नहीं बचा अब पैंसठ है बासठ कौन लिख रहा है इतने पुराने कहा चले गए डाटा लेकर सिक्सटी फाइव अब है पैसठ कर दिए फिर से ये कब हुआ भैया एक बार चेक कर लेते हैं आज हमारे पास फोन है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे एक मिनटर इज गूगल इतने सारे ऐप में गूगल भी खोजना पड़ता है भैया इसमें तो पैंसठ ही दे रहे हैं क्यों पागल हो तुम कब चेंज हुआ ये सारी साइट पे तो भैया लिखा हुआ है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर टू चलो चलो तो यहां पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला है उसमें हाई कोर्ट तो नहीं लिखा था ना नहीं सुप्रीम कोर्ट ही लिखा था बारह अप्रैल उन्नीस अगला सवाल है अगला सवाल आप सबके सामने है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक शहर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था वो शहर इस समय पर कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है अगला सवाल आप सबके सामने अंडमान और निकोबार गलत जवाब है बच्चा वो मणिपुर राज्य है ऑप्शन नंबर सी इन्होंने अपना पहला अभियान तो इधर से ही शुरू किया था ठीक है अंडमान और निकोबार नहीं आपका मणिपुर राज्य है आज का प्रेजेंट ठीक है अगला है इनमें से किसको इनमें से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है इनमें से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। अगला सवाल आप सबके हां शिवम बच्चा मुझे पता है लेकिन कुछ बावले बच्चे होते हैं उनको एक बार समझा सकते हो एक बार जवाब दो उसके बाद भाड़ में जाने दो चलो सो so क्या हो जाएगा मैम डी फैट बच्चा अरे कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब कार्बोहाइड्रेट्स अगला भूमि के जल का ठीक है मूल रोमो तक किस दबाव से पहुंचाया जाता है भूमि का जल ठीक है अंडर वोट प्रेशर डज द ग्राउंड वॉटर रीच द रूट हेयर तो बच्चा ये कहलाता है आपका परासरण दबाव ठीक है परासरण दबाव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ओ बावलो केशिका क्रिया में नीचे जाता है ध्यान रखना जैसे आपका क्षारिय मृदा बनती है है ना राजस्थान वगैरह में वो केशिका क्रिया होती है वो नीचे जाना होता है ये ऊपर आना कहला रहा है ये आपसे ऊपर आने को बोल रहा है तो पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है तो बच्चा इसको कहा जाता है एपीकल्चर एपी रक्त के स्कंदन हेतु यानी कि क्लोटिंग के लिए आपका कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है तो बच्चा सही जवाब हो जाएगा मैम विटामिन के इज द राइट आंसर दैट इज विटामिन K. अगला है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितने दिनों का होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन आपका कितना होता है मैम 100 से 120 दिनों का होता है लगभग लगभग ठीक है 100 से 120 दिन शीत ऋतु में पशुओं के प्रशुष्टि काल को क्या कहा जाता है डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल्स इन विंटर इसको बोला जाता है बच्चा हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है तांबा लोहा चांदी एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ठीक है ऑप्शन नंबर सी सिल्वर अगला उड़ान अभिलेखी वट इज द टेक्निकल नेम ऑफ फ्लाइट रिकॉर्ड उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है बच्चा तो उस फ्लाइट में जो भी बातें की जाती है जो आपके क्रू मेंबर मतलब जो चलाते हैं पायलट्स वगैरह तो उनकी बातें रिकॉर्ड होती है ताकि कोई भी दुर्घटना होती होने लगे तो हमें पता चल सके ठीक है कि किस वजह से वो आपकी दुर्घटना जो है वो हुई होगी तो एक ब्लैक बॉक्स होता है ठीक है ब्लैक बॉक्स के अंदर जो बातें रिकॉर्ड होती हैं उनसे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि लास्ट मोमेंट पर इसमें क्या क्या तकनीकी खराबी आई होगी तो आपका यहाँ पर ब्लैक बॉक्स इज द राइट आंसर जैसे जब हमारे पहले सीडीएस से 2021 में उनकी डेथ हुई थी एक विमान दुर्घटना में ही है ना तो उसके बाद कहा गया था ना कि जब तक हमें ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि ये आपका क्यों हुआ था हादसा अगला इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है डब्ल्यू एन एल ए एन एम ए एन बच्चा आपका पर्सनल नेटवर्क आपका कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क पर्सनल नेटवर्क कोई नहीं होता है उर्वरकों के निर्माण में अगला सवाल है उर्वरकों के निर्माण में इनमें से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है फ्लोरीन, लेड एल्यूमिनियम या पोटेशियम ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम अगला सवाल अगला सवाल है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है चलिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है पोटेशियम वेरी गुड जिनको चीफ जस्टिस की एज बच्चा 65 नहीं लग रही 62 लग रही है वो या तो यहाँ से चला जाए या फिर अपना दिमाग का इलाज करा के आए या फिर आपका आर्टिकल 124 एक बार पढ़ के आए वरना वो इस बार ब्लॉक है ठीक है बोथ हो चुका चलिए तो क्या हो जाएगा मैम दैट इज आइसो जो सी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है बच्चा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व जो पाया जाता है ज्यादा मात्रा में वो क्या है शिवम जितना मन करेगा बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है तुम्हारे चैनल पे आए बताओ जितना अपना मन करेगा हमारी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए वेरी गुड मैम दूसरा है आपका हीलियम. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इनमें से कौन सा एलपीजी का एक प्रमुख घटक है इनमें से कौन सा एलपीजी का एक प्रमुख घटक है मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन या फिर आपका इथेन जल्दी से बताइए एलपीजी का एक प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है मिथेन एलपीजी का मतलब जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है फ्री में बांट रही है ताकि मिथेन प्रोड्यूस ना हो पाए उसको तुम एलपीजी का घटक बता रहे हो भाई वाह तुम्हारे लिए तो अलग से तालिया प्रोपेन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनामाता रोग किस कारण से होता है मिनामाता रोग जो है वो आपका किस कारण से होता है सही जवाब क्या हो जाएगा ए अब मुझे तुम पे कोई शक नहीं हो रहा कि तुम्हारी तैयारी एकदम जीरो है अब नहीं हो रहा है शक ना तो तुम पे ज्यादा लगाना भी कोई वो नहीं है ओजोन आपकी ये रिपीट हो गया बच्चा युआन किस देश की मुद्रा है? ठीक है युवान किस देश की मुद्रा है जापान इटली यूगोस्लाविया या चाइना तो बच्चा युवान किसकी हो जाएगी आपका दैट इज मैम ऑप्शन नंबर डी चाइना ठीक है ऑप्शन नंबर डी चाइना अगला संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है मैम ठीक है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से बच्चा आशीर्वाद बिल्कुल है आप सबके साथ लेकिन सिर्फ उनको ही फल मिलेगा जिन्होंने मेहनत करी है अच्छा कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से आपका शुरू हुआ था तो ये राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है ठीक है केरल शिवम लगा है बच्चा आपको क्या मतलब है हमारी पर्सनल लाइफ में कितनी ज्यादा भागदौड़ हुई है पिछले पांच छह महीनों में आपको ये लग रहा है कि यहाँ भी थी मैम यहाँ भी पढ़ा रही थी आपको पीछे की कहानी पता है कि कितनी धोखेबाजी हुई है इन पिछले कुछ महीनों में किस किस तरह के लोगों से मिलना पड़ा है किस किस तरह के लोगों को झेला है कितना मेंटल अपना पीस जो है खत्म किया है तो किसी को भी फालतू में मत बोला करो आपको नहीं पता पीछे की सच्चाई क्या है हाँ बिल्कुल लगा है क्यों नहीं लगेगा इंसान नहीं है हम पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी जे एच गिबन ने जोनस ई सोल्क ने रॉबर्ट एडवर्ड्स ने या फिर जेम्स सिम्पसन सिंपसन ने बताइए बिल्कुल आता रहता है बच्चा और मैं तो चाहती हूँ आए जीवन में उतार चढ़ाव लेकिन किसी को भी ये अलाउ नहीं करूँगी मैं कि वो उसका मजाक उड़ाए या उस पर सवाल करे ये मैं अलाउ नहीं करूँगी ठीक है बिल्कुल आए मेरा जीवन है मेरी लाइफ है ऊपर वाले ने जो लिखी है वो बिल्कुल उसमें वही करेगा वही होता रहेगा चाहे वो ऊपर जाना हो चाहे वो नीचे आना हो लेकिन किसी तीसरे को हक नहीं है कि उस पर वो कोई भी सवाल उठाए चलिए तो आपका वेरी गुड बच्चा ऑप्शन नंबर बी मैम यहां पर सही जवाब हो जाएगा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत को समुद्री रास्ते से खोजे जाने का जो श्रेय जाता है वो वास्को डिगामा को जाता है चौदह में ठीक है चौदह में ये भारत जो है बच्चा वो आपका आया था ठीक है चलिए अगला सवाल है दीने लाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था तीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था शिवम पागल हो गए क्या पैंसठ साल या पांच साल का पैंसठ वर्ष या पांच साल में जो पहले आ जाए चलो दीने इलाही बनाने का बच्चा विश्व नंबर ए ठीक है यूनिवर्सल ब्रदरहुड वेरी गुड अगला है इनमें से कौन सा स्लाइवा का लाभ नहीं है आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवा होता है आपसे उनके बेनिफिट पूछे गए हैं और एक ऑप्शन में उसका बेनिफिट नहीं होता वो आपको बताना है चलिए इट्स अवी मैं तुमसे हंड्रेड सहमत हूं यह निगलने में मदद करता है बिल्कुल बच्चा हमारे भोजन का सबसे पहले पाचन शुरू ही स्लाइवा से होता है ठीक है तो यहां पर यह शरीर में आर की वृद्धि करता है इससे इसका कोई मतलब नहीं होता ठीक है आर को कम करना ज्यादा करना स्लाइवा का कोई भी काम उसमें नहीं है अगला पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध पश्चिम बंगाल के रानीगंज का संबंध इनमें से किससे है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध इनमें से कितने अगर शिवम तुम्हें एक इस उससे पूछना होता ना सिंपथी टाइप से तो तुम पूछते मैम इतने चैनल वो हो गए हैं आपने चेंज किया इसका रीजन क्या था ऐसा क्या हुआ था मैम आप कितने और चैनल चेंज करोगी आपकी आपके क्वेश्चन में ही ना गंदगी झलक रही है ठीक है आप कितना भी अब आप बोलो आपको माफी नहीं मिलेगी ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध बच्चा आपका कोयले क्षेत्र से है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा लोह अयस्क मत लिखना कोयला क्षेत्र लिख लेना ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था दादा भाई नोरोजी ने प्रतिपादित किया था आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक आपका उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि के द्वारा बचत अनुपात में वृद्धि के द्वारा या फिर आपका बाय इंप्रूविंग द पोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑप्शन नंबर ए बच्चा आपका जो राष्ट्रीय आय नहीं जो आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है ना जब उसमें वृद्धि होती है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला है जोजिला पास किसको जोड़ता है तो जोजिला पास आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है है ना श्रीनगर और आपका लेह को जोड़ता है एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स आपके क्या होते हैं तो एंजाइम्स बच्चा प्रोटीन होते हैं है ना ऑप्शन नंबर डी मैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती आप सबको पता है ना हमारे जो भारत के राष्ट्रपति है वो बहुत आपके आ, क्या है बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो होती है वो उनके द्वारा की जाती है चाहे वो पीएम है चाहे वो दूसरे मंत्री मंत्री है आपके कैबिनेट के चाहे वो सी है चाहे वो वित्त आयोग का गठन है चाहे वो आपके राज्यपाल है ओके आ, तो इनकी जो नियुक्ति है चाहे वो आपका जजों का ट्रांसफर है जजों का आपकी नियुक्ति है तो इनका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है आपका इनमें से एक नहीं है कि भैया उसकी जो आपकी नियुक्ति है वो उनके द्वारा करी जाती है तो सही जवाब क्या हो जाएगा लोकसभा के के अध्यक्ष अध्यक्ष मैम ठीक है लोकसभा ऑप्शन नंबर डी किस प्रदेश में पूरे साल बारिश होती है ठीक है किस प्रदेश में या क्षेत्र इसको कहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा पूरे साल बारिश होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विश्ववतीय क्षेत्र में ट्रॉपिकल में या शीतोष्ण में बच्चा सही जवाब हो जाएगा जो क्वेटर वाला एरिया होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आई थिंक चलिए इनमें से कौन से, दर्द, इन में से कौन दर्द का निवारक करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीव पेन एंटीबायोटिक बिल्कुल मत लगाना बच्चा गलत हो जाएगा ठीक है एनलिजिक एंटीपायरेटिक या फिर आपका डिस तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला कटरीना नाम दिया गया है एक उपग्रह को एक तारे को एक उष्मा तरंग को या फिर एक आपका परभंजन को जल्दी से बताइए कटरीना नाम जो है वो इनमें से किसे दिया गया है पर भंजन मतलब हरिकेन जो आते हैं बच्चा <laughs> आधे तो कह रहे होंगे मैम डी आंसर का पहले ऑप्शन बताइए है ना ये बच्चा 2005 में एक हरिकेन को नाम दिया गया था ठीक है शायद आपका नॉर्थ अटलांटिक में हरिकेन आया था ओके ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सा तारा है कटरीना बताना एक बार चलो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि थाइमस स्प्लीन पेनक्रिया या फिर आपका लीवर इनमें से क्या है ठीक है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपका क्या है डी मैम आपका लीवर दैट इज यकृत ऑप्शन किलोवाट घंटे एक यूनिट किसका है मैम यह आपका पावर का होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है किलोवाट बच्चा एनर्जी का होता है है ना किलोवाट एनर्जी का ही होता है ना एनर्जी तो जूल होती है अरे यस और नो किलोवाट घंटा एनर्जी का होता है आई थिंक बच्चा है ना एक बार इसका यही रखना आंसर किलोवाट जगह ही होता है यस मरकरी क्या है ठीक है आपका मरकरी क्या है एक बार फिर भी देख लू मैं बच्चा ठीक है बहुत टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े बट ये इजी है लेकिन एनर्जी और पावर दोनों में कंफ्यूजन हो गया आ, एनर्जी का ही यार थैंक यू बचा लिया ऊपर वाले ने <laughs> एनर्जी का है बच्चा मरकरी क्या है बच्चा ये एक आपका क्या है द्रव धातु है लिक्विड मेटल है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितने समय का अंतर होता है तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में आपका 6 महीने का टाइम होता है ठीक है कितने महीने का टाइम होता है बच्चा 6 महीने का टाइम होता है बोल पेन किस सिद्धांत पर आपका काम करता है बोल पेन आपका मैम 9:00 बजे क्लास बिल्कुल होगी बच्चा 9:00 बजे आज हम केंद्र और राज्य की योजनाएं करने वाले हैं मैम मिश्रित ग्रंथी क्या पेन क्या नहीं लिखा हमने उसमें एक सेकंड बच्चा देखने दो जल्दी में क्या हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियाज अच्छा ये पेनक्रियाज है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि एक बार इसको चेक कर लो बच्चा एकमात्र मिश्रित ग्रंथि तो यस अग्नाशय पेन ही होता है चलो इसको एक बार देख लेंगे 106 वाला अभी बताती हूँ बस इसका आंसर एक मिनट रुको अच्छा अगला है बोल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो बोल पेन जो है वो आपका बच्चा सरफेस टेंशन यानी कि आपका प्रश्न तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है ठीक है चलो लिखा था उसमें सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बच्चा लीवर क्यों तुम पागल बना रहे हो लीवर है उसका सही जवाब और आपने लीवर इज द राइट आंसर ठीक है गलत है आप लोगों का अच्छा इनमें से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया था तो गोवा जिसको हमने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत आजाद करवाया था और गोवा को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया था ठीक है अगला है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है अच्छा सवाल है भारत में संसद में ठीक है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का एक अध्यक्ष इनमें से कौन होता है विपक्षी दल का नेता लोकसभा का अध्यक्ष लो, लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर आपका राज्यसभा का अध्यक्ष तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा मैम विपक्षी दल का नेता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट right आंसर अगला सवाल आप सबके सामने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? विलियम बेंटिक वेनिजली वेलिजली या फिर आपका लॉर्ड कार्न वोलिस जिसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है वेलिजली की सहायक संधि कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा हुआ है बच्चा है ना वेलिजली की सहायक संधि कार्नवोलिस को आपका सिविल सेवा का जनक विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत और अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मैम दैट इज वोरन हैस्टिंग ठीक है अगला है भारत के मुख्य न्याय ये पुराना सवाल है बच्चा ठीक है अगला है वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है तो मैम आपका जल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसके लिए जाना जाता है हीरे की खान के लिए मैम ऑप्शन नंबर बी इनमें से किसको आर बी सी का कब्रिस्तान कहा जाता है बताइए इनमें से किसको आर बी सी का कब्रिस्तान कहा जाता है लीवर ठीक है उसके बाद स्प्लीन पलीहा ब्रेन मस्तिष्क या फिर बच्चा हार्ट हृदय मैम क्या मैं बूंदी से हूं बूंदी के लड्डू आपको पसंद होंगे बच्चा इनमें से किस अंग को RBC का कब्रिस्तान जो है वो कहा जाता है फटाफट से हमें ज़्यादा से ज्यादा तो गया घर पे भी बहुत यूज करते थे पहले तो है ना कुछ भी कटवट लग जाए स्प्रिट डाल दो है ना तो आपका शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वो एक दर्व है क्योंकि वो अत्यंत वाष्पशील है क्योंकि वो एक कंडक्टर है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है खैर ट्रांसपेरेंट तो होते बट इसका वो रीजन नहीं है बट इसका है बच्चा क्योंकि वो अत्यंत वाष्पशील होती है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है एक बार जल्दी से बताइए तंबाकू का धुआं आपका हानिकारक होता है और कहते हैं ना कई बार कि आ, आपका सिगरेट वगैरह जो होती है वो पीने वाले से ठीक है उसके साथ जो खड़े होते हैं उनको ज्यादा नुकसान करती है उसका धुआं हानिकारक होता है क्योंकि बच्चा उसमें होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लाल अत्यंत प्रमुख नेता किसके थे जल्दी से बताइए अगला सवाल है लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता इनमें से किस संगठन के थे स्वराज पार्टी जो कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा उन्नीस में बनाई गई मिलिटेंट नेशनल पार्टी गदर पार्टी जिसकी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में आपकी क्या की थी बच्चा स्थापना करी थी या फिर आईएनसी तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम ये नेता तो आईएनसी के ही थे बट आईएनसी में ही फूट डल गई थी आपका 1907 में ठीक है आईएनसी में ही फूट डल गई थी 1907 में जिसके बाद आईएनसी ही दो गुटों में बदल गया था आपका एक गरम दल जिसके नेता ये तीनों थे और एक आपका नरम दल ठीक है बच्चा एक आपका नरम दल ठीक है तो ये थे तो आईएनसी के ही मेंबर अगला सवाल आ, गल्सुआ यानी कि मम्स एक वायरल रोग है जो कहां पर सूजन पैदा करता है बच्चा ठीक है पैरोइड में आ, अधोजीवा में ठीक है या फिर आपका सब मैरिक्सलरी में या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि में अवाक्षी ग्रंथि में तो कहां पर गल्सुआ बहुत इजी है इसको तो याद करना बच्चा कर्ण पूर्व ग्रंथि में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला राज्य कौन था क्या जरा नजर रख लू इसका आंसर दीजिए फटाफट से मैम हम बनारस से हैं अरे बच्चा बनारसी साड़ी भेजना ठीक है <laughs> जो भी बनारस से है भैया हमको बनारसी साड़ी बड़ी पसंद है तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो उसमें से आ, हजार पांच सौ हमारे लिए भी निकाल लेना बनारसी साड़ी खरीद लेना बच्चा क्या हो जाएगा मार्को पोलो नहीं मैम इबन बतूता मत लगा देना वो आपका किसके कार्यकाल में आया था रहे ग्रंथ की रचना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक के भारत में सूफीवाद का संस्थापक इनमें से किसे कहा जाता है सूफीवाद के संस्थापक बच्चा शेख निजामुद्दीन ओलिया ठीक है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपके लिए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक इनमें से कौन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन थे तो बच्चा विक्रमशिला धर्मपाल ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है वहीं नालंदा की बात करें तो कुमार गुप्त उसमें सही जवाब हो जाएगा अगला है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पे आपका बच्चा मगध में नंद वंश था ठीक है उसके बाद नंद वंश को हराकर धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ था इनमें से किस भाषा में दलित साहित्य सबसे ज्यादा उजागर हुआ था तो बच्चा वो भाषा थी आपकी मराठी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा अवश्य एकल नृत्य है ओके विच इज द फॉलोइंग एंड असेंशियल सोलो डांस इनमें से सोलो डांस आपका कौन सा है इनमें से एक सोलो डांस आपका कौन सा है कहा कह रहा है रुद्रा यूपी के सारे पेपर बिक गए सच में वेरी गुड बच्चा मोहिनी अटम और ज्यादातर वैसे ही किया जाता है औरतों के द्वारा लेकिन आज के टाइम पे बिल्कुल इसको कर सकते हैं भैया है, पुरुष भी कोई दिक्कत नहीं है बट मोहिनी अट्टम एक आपका सोलो परफॉर्मेंस होती है ठीक है जो कि केरल का एक सास नृत्य है पंडित भीमसेन जोशी जिनको दो में भारत रत्न दिया गया था ठीक है ध्यान रखना कई बार इनके भारत रत्न के बारे में पूछा हुआ है पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न विजेता तारंगी बजाते हैं गिटार बजाते हैं मैम इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है या तबला से है जो तबला कह रहे हैं उनका तबला बजना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चा ये कि शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मोहिनी अट्टम कहाँ पर आपका विकसित हुआ है मैम केरल के मालाबार तट पर भगवान विष्णु के अवतार का इन पर ये जो है थीम रखी जाती है श्री पैरम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है ये किसकी जन्मभूमि है ठीक है श्री पैरम्बदूर जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में बच्चा एक शहर है ये किसकी जन्मभूमि है तो मैम ये श्री रामानुजाचार्य की भूमि है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है आ, अच्छा आर्यभट्ट कौन थे बच्चा सिंपल सा जवाब है है ना अब मैं एक बार इनका पढ़ लू हाँ पूछिए बच्चा जिन्होंने लिखा है मैम मेरा एक डाउट है और एक रुद्रा बोल रहा था आकृति कि मैम आ, रुद्रा पूछ रहे आ, रुद्रा कह रहे हैं कि मैम चीटिंग मतलब वो बिक गए हैं पेपर सच में ये पहले खबर कैसे मिलती है लेकिन पेपर लीक तो पेपर होने के बाद पता चलता है शायद है ना होते टाइम चलो तो बच्चा महान संस्कृत कवि तुम्हें शर्म नहीं आती जीरो दिया मेरे भारत ने दशमलव दिया इन्होंने इन्होंने ग्रहों को उनकी चालों को समझा मैम ये आपके गणित शास्त्री और खगोलवेता थे कैसे तुम इनको संस्कृत कवि कह सकते हो पल्लव राजद पल्लव जो राजा थे उनकी राजधानी बच्चा कांचीपुरम हुआ करती थी है ना पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो आपकी कांचीपुरम थी दिव्य जीवन संघ के संस्थापक आपके कौन थे बच्चा दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक है वो स्वामी शिवानंद थे अगला सवाल है किनके शासन काल में वर्धमान महावीर ठीक है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए हैं में वर्धमान महावीर ठीक है और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए हैं सही जवाब क्या हो जाएगा मैम ए ऑप्शन आजाद शत्रु पहली बुद्धिस्ट काउंसिल चार तिरासी में बच्चा इन्हीं के शासन काल में राजगृह में कराई गई थी अगला सप्त तो पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर किनके द्वारा आपके बनाए गए थे सात पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर किनके द्वारा आपके बनाए गए थे जल्दी से बताइए क्या इसका यहाँ पर सही जवाब होगा तो क्या होगा मैम ये पल्लव राजाओं के द्वारा अभी पढ़ते बच्चा आपका कॉमेंट क्या है इनमें से तमिल विद्वानों में से एक राजवंशी था ये शायद मैंने आपको परसों भी करवाया था एलिंगो है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या हुआ करता था इसका आंसर करिए ओके okay. आ राजकूट पल्लव लिख लेना उसको uh. पेपर आउट हो गए हैं सच में क्या रहे जन्म संपत्ति या व्यवसाय बच्चा वैदिक काल में उनके व्यवसाय से आपका उनका क्या होता था विभाजन होता था ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले आपके पल्लव ही थे ठीक है और होयसाल टेंपल कर्नाटक के बच्चा जो हौसाल टेम्पल समूह है उनको बयालीसवीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की तरफ से आपका हुआ है ठीक है अगला है इनमें से कौन विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है इनमें से कौन विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है अभिषेक शायद आपका नाम मैंने अभिषेक ही पढ़ा है नौ बजे बच्चा इसका जवाब देंगे यहां पे सही नहीं होगा हाँ तो लिखा हुआ है विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुका 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की जो मेन राजधानी हुआ करती थी वो हम्पी शहर हुआ करता था ठीक है ऑप्शन नंबर बी इनमें से ग्यारहवीं सदी के आ... चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए हैं वो आपका कहाँ पर स्थित है ठीक है मदुरई तिरुचिपल्ली तमिलनाडु तंजावुर या नासिक तो आपका सही जवाब हो जाएगा तंजावुर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला सवाल है इनमें से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्या ने हराया था इनमें से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्या ने सेल्युकस निकेटर के द्वारा आपका युद्ध किया था युद्ध में सेल्युकस निकेटर हारा था अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी उसके बाद अपने राजदूत बनाकर मैगस्थनी जो आपका सी ऑप्शन में लिखा है उसको भेजा था गोविंद के लेखक आपके बच्चा जयदेव है कई बार हम आपको ये सवाल करा चुके हैं अगला है ऋग्वेद काल के देवता इनमें से कौन थे ऋग्वेद काल के देवता गोविंद ये सोच के जाओगे वन थर्टी सेवन चेक करती हूँ बच्चा एक बार आ, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन बच्चा व्यवसाय से ही होता था ठीक है व्यवसाय ही लिखना इसमें ध्यान रखना ठीक है ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय आप शायद वर्ण वाला वो भूल गए है ना अच्छा ऋग्वेद काल में इंद्र और अग्नि है ना सूर्य अग्नि जल अग्नि सूर्य विष्णु इंद्र और अग्नि ठीक है ऑप्शन नंबर सी इंद्र और अग्नि अगला है महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बोध भिक्षु बनी थी उनका नाम आम्रपाली था ठीक है ऑप्शन नंबर ए उनका नाम क्या था आम्रपाली था अगला है बीरबल का असली नाम आपका क्या था आम्रपाली वेरी गुड बीरबल का असली नाम मैम महेश दास था जो कि एक विदूषक थे अकबर के नौ रत्नों में से वह पहला विदेश मंत्री थे मैंने क्या बोल दिया वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था ठीक है बच्चा शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला आपका तोरण था ठीक है रायगढ़ में इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था और इनका मेन कैपिटल सिटी भी आपका रायगढ़ किला ही था ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका तोरण लिखना गलत हो जाएगा अगर आप रायगढ़ लिखोगे अगला है राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आपका लिखा गया है मिनट रह गई कोशिश करेंगे दस क्वेश्चन तो करें हैदर अली ने किस स्थान पर अपना स्थापित किया था मैसूर, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, हुआ था उसमें बच्चा इनकी डेथ हो गई थी जिसको फिर आगे टीपू सुल्तान ने क्या किया था आगे उनको बढ़ाया था ठीक है मैंगलोर की संधि हुई थी मैंगलोर की हुई थी उसमें जिसके साथ यह युद्ध जो है वह आपका खत्म हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वोर। मैसूर वोर। और डिंडीगुल में जो कि तमिलनाडु में एक शहर है वहां पर ठीक है चलिए अगला हड़प्पा की सभ्यता में कौन सी उक्ति सही है सही बतानी है उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी नो no. गाय उनके लिए पवित्र थी नहीं उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी नो no. बच्चा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था आपको एक सवाल पड़ा जाता है ना कि भगवान की पूजा किए करते थे तो पशुपति की है ना ठीक है ओके चलो जैनियों के प्रथम तीर्थ तीर्थांकर कौन थे तो 24 तीर्थांकर रहे हैं जिसमें से पहले आपके बच्चा कौन थे ऋषभ देव 23वें तेईसवे थे और महावीर स्वामी आपके 24वें थे यादव सम्राटों की राजधानी आपके कहाँ हुआ करती थी यादव सम्राटों की राजधानी आपके कहाँ पर हुआ करती थी द्वार समुद्रम, वारांगल कल्याणी या फिर आपका देव देव क्या लिखा है देवगिरी देवगिरी फोर्ट है ना एक सवाल है बच्चा तब से दिमाग में घूम रहा है आमिर के गुरु का नाम क्या था आमिर खुसरो के गुरु एक बार आप इसका जवाब दो इसका जवाब बच्चा देवगिरी हो जाएगा लेकिन हमने ना भारत में सूफी परंपरा के जो संस्थापक थे आमिर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन ओलिया है ना और भारत में सूफी परंपरा लाने वाले शायद चिश्ती थे एक बार मेरे को एक बार देखने दो इस सवाल को एक बार इस सवाल को आप में से कोई एक सर्च करना ये थोड़ा सा तब से मेरे दिमाग में खटक रहा है पता नहीं कहाँ चला गया अब ठीक है हमने एक सवाल किया था ना ऊपर तो नहीं था वो पीर शब्द इससे तो नीचे ही था कहीं पे एक सवाल हमने किया था सूफी परंपरा को भारत में लाने वाले मेरे को जरूर इसमें निजामुद्दीन ओलिया की जगह इसी वर्ड सही लग रहा है ठीक है कोई नहीं उसको अभी के लिए आप रहने देना मैं उसको कराऊंगी लास्ट में एक बार हाँ ये रहा भारत में सूफीवाद के संस्थापक बच्चा मेरे हिसाब से ख्वाजा मउद्दीन चिश्ती होना चाहिए इसमें सही जवाब लेकिन एक मिनट के लिए इसको रोकना है ना निजामुद्दीन ओलिया थे पक्का नहीं मेरे को मऊदीन चिश्ती इसका सही जवाब लग रहा है अजमेर में जिनका आपका वो है इसको मैं अभी सर्च करूंगी सूफीवाद के संस्थापक ठीक है इसको भी आप ये सही मानो उसके बाद ओलिया होगा तो मैं उसी क्वेश्चन में करा दूंगी जहां पर अभी हम है हाँ और आपका सवाल यादव सम्राटों की राजधानी क्या है आपकी देवगिरी ठीक है मैं तब तक इसको सर्च कर लेती हूँ सूफीवाद का <laughs> मोदीन चिश्ती बच्चा ठीक है यही थे भारत लाने वाले अब सही जवाब हो गया ठीक है यही थे आपके भारत लाने वाले ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था वेरी गुड मोहित वेरी गुड अच्छा चोल राजाओं को किस धर्म का संरक्षण प्रदान था वचा? शैव धर्म का ठीक है शिव भगवान की वो आपकी पूजा किए करते थे अच्छा उसके अलावा अगला सवाल है विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि इनमें से किसके साथ की गई थी तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था तो अवध बच्चा आपका यहाँ पर नहीं होगा हैदराबाद सही जवाब होगा ठीक है हैदराबाद इज द राइट आंसर ठीक है चिश्ती हाँ बच्चा उसको चिश्ती कर लेना बहुत बहुत देर से दिमाग में घूम रहा था और हाँ जो मैंने ओलिया बोला है ना आपका आमिर खुसरो उनके जो गुरु थे वो आ, ये थे ओलिया ठीक है ध्यान रखना निजामुद्दीन ओलिया हाँ और वो गाना भी आ रहा है तब से आ, किसका सलमान खान की मूवी कौन सी है वो अच्छा कोटिल्या ने रचना की थी अर्थशास्त्र की ठीक है कोटिल्या ने रचना की थी आपकी अर्थशास्त्र की और आज का हमारा आखिरी सवाल बच्चा यहीं पे रखते हैं पूरे आपके टू आवर हो गए हैं एक सेकंड ठीक है ओके अब बताइए आपको क्या क्या कह रहे थे आप एग्जाम के बारे में अर्थशास्त्र रामायण वाल्मीकि ठीक है और मनुस्मृति आपका मनु ऋषि मनु ठाकुर एडमिट कार्ड ठीक है एडमिट कार्ड के नीचे आपके दिशा निर्देश लिखे हैं उसको बच्चा बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम सेंटर जाके फिर घर वापस आना बहुत मुश्किल होता है थैंक यू बच्चा थैंक यू आकृति थैंक यू सो मच शुरू से लेके अब तक आपने बहुत साथ निभाया है हाँ रुद्रा पूछो अच्छा आरो की तरह दिमाग खराब हो गया पेपर लीक हो के. यही रात अंतिम रात भारी ठीक <laughs> है गोविंद हाँ बताओ रिंकू जल्दी से एक बार एक बार देख लेंगे बच्चा उस क्वेश्चन को भी थैंक यू निधि थैंक यू एक बार बोलो बच्चा क्वेश्चन हो आपका कौन से का आंसर रह गया एक सौ तेईसवे का मैम सी आंसर है ठीक है अभी देखते हैं उसको चलिए एक सौ तेईसवा क्वेश्चन उसका कह रहे हैं मैम सी आंसर है देखते हैं क्या लगा दिया अब अगर किसी ने उस पे बोला ना अरे बच्चा सी अभी इसी के बारे में तो बात कर रहे थे <laughs> अभी इसी की तो इतनी देर से राम कथा सुना रही हूँ ये है बच्चा भारत में सूफीवाद के संस्थापक कौन थे ख्वाजा मउद्दीन चिश्ती ठीक है हमने पहले बी को टिक किया था बट आपके ये ध्यान रख लेना ये आमिर खुसरो के गुरु थे जिनको शायद दस राजाओं का संरक्षण प्राप्त था है ना दिल्ली घराने के खोज करता ओके और बताइए अच्छा मैम एक सौ ग्यारह एक सौ बारहवा क्वेश्चन ठीक है बच्चा एक सौ बारह ये लास्ट होगा और बच्चा लोकलेखा समिति के अध्यक्ष एक होते हैं विपक्षी दल के नेता ठीक है सही है ये आ, और एक कह रहा है ये था मानव शरीर की सबसे ये तो बच्चा मैंने आपके सामने ही सर्च किया था आप भी एक बार इसको कर सकते हो ठीक है आप भी कर लो मैंने आपके सामने ही सर्च किया था ठीक है एक बार फिर से कर देती हूँ मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और मैं साइट भी बता दूं कि इस पर आपका आ रखा है ये कि मैं ही गलत नहीं हूं बड़ी ठीक है देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी ठीक है आ, मिश्रित ग्रंथी होती है और इसमें आपका वैसे तो अग्नाशय ऐसे लिखा हुआ है बच्चा बताओ क्या करें इसमें देखते हैं इस वाले में इसके ऑथेंटिक होते हैं ओके okay, इसमें अग्नाशय लिखा हुआ है ठीक है ये सबसे ऑथेंटिक होता है एक सौ भी बताएंगे ठीक है तो इसका बच्चा क्योंकि गूगल पे तीन आंसर मैंने आपको पढ़ के बता दिए आपका जो एक ऑथेंटिक काफी अच्छी साइट है उसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं पेनक्रियास आपका एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है एक को देख लेते हैं एक बार पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथी पेनक्रियाज लिख दूंगी इसको एक बार और एक सौ बिल्कुल सही है बच्चा ऋग्वेद काल में इंद्र भगवान और अग्नि देवता की आपकी पूजा होती थी आपको कुछ और लग रहा है तो बता दो मैम पेपर में पास कराने के नौ लाख अच्छा आप बताओ नौ लाख आपकी किसी से बात हुई है <laughs> आपके किसी की नौ लाख में बात हो रखी है देखो ये वाला सही है बच्चा ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है ओके एंड बस अब और इतने ही भाई और नहीं अब विदा लेते हैं बच्चा क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है एक और बच्चे का डाउट है छोटा सा वो और एक बार चेक कर लेते हैं 114 तो हमने किया ही नहीं बच्चा ठीक है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश आज के टाइम पे डी वाई चंद्रचूड़ है तो मैंने ये बता ही दिया था कि आपका पुराना क्वेश्चन है ठीक है तो ये तो हमने किया ही नहीं था ना ओके तो अब टेक केयर आप सभी को ठीक है बाय बाय बच्चों चलिए टेक केयर एंड बाय बायी फंसोगे तुम बच्चा